हाय गाइस, दिस इज राजू सर फ्रॉम स्पोकन इंग्लिश हरियाणा चैनल। वेलकम टू ऑल ऑफ यू, आप सबका स्वागत है। गाइस, मेरा नाम राजू सर है। आज का हमारा टॉपिक है यूज्ड टू हैव, यानी यूज्ड टू हैव का प्रयोग। आज हम जानेंगे यूज्ड टू हैव का प्रयोग कहाँ होता है। बच्चों, आपने यूज्ड टू हैव का प्रयोग बहुत बार पढ़ा होगा, लेकिन फिर भी इस वीडियो को ध्यान से देखिए, आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिलने वाला है। यूज्ड टू हैव का प्रयोग कहाँ होता है। इसका प्रयोग वाक्य में यानी सेंटेंस के अंदर पास हुआ करता था, पास हुई करती थी, पास हुए करते थे, या पास होता था, पास होती थी, पास होते थे लगा रहने पर बीती हुई बातों को बताने में होता है। यूज्ड टू हैव का प्रयोग सेंटेंस के अंदर पास हुआ करता था, पास हुई करती थी, पास हुए करते थे, या पास होता था, पास होती थी, पास होते थे लगा रहने पर बीती हुई बातों को बतलाने में किया जाता है। इस संसार की कोई भी सेंटेंस होगी, यदि उसके अंदर पास हुआ करता था, पास हुई करती थी, पास हुए करते थे, या पास होता था, पास होती थी, पास होते थे लगा होगा, तो आप निश्चित होकर के वहां पर यूज्ड टू हैव का प्रयोग कीजिएगा। जैसे मेरे पास कुछ मित्र हुआ करते थे, पास हुआ करते थे, अब नहीं है, पहले हुआ करते थे। बीती हुई बातों को यहाँ पर बताया जा रहा है, दोहराया जा रहा है। कोई व्यक्ति कह रहा है किसी से कि मेरे पास कुछ मित्र हुआ करते थे, पहले हुआ करते थे, बीते हुए समय में हुआ करते थे, आज के डेट में नहीं है। पास हुआ करते थे लगा हुआ है, यहाँ पर हम यूज्ड टू हैव का प्रयोग करेंगे। यूज्ड टू हैव का स्ट्रक्चर क्या होता है, बनावट क्या होता है। सब्जेक्ट प्लस यूज्ड टू हैव प्लस अदर वर्ड, यानी जब सेंटेंस के अंदर पास हुआ करता था, पास हुई करती थी, पास हुए करते थे, या पास होता था, पास होती थी, पास होते थे का सेंस लगा होगा, तो सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद सभी कर्ता के साथ यूज्ड टू हैव, उसके बाद अदर वर्ड आएंगे। मेरे पास कुछ मित्र हुआ करते थे, कुछ मित्र किसके पास हुआ करते थे, मेरे पास, मेरे का आई, आई के साथ यूज्ड टू हैव, आई यूज्ड टू हैव, मेरे पास हुआ करते थे, क्या हुआ करते थे, कुछ मित्र, कुछ का सम, मित्र का फ्रेंड्स, आई यूज्ड टू हैव सम फ्रेंड्स। अमन के पास एक अच्छी कार हुआ करती थी, पहले हुआ करती थी, अब नहीं है। पास हुआ करती थी के सेंस में बीते हुए समय की बात हो रही है, यूज्ड टू हैव का यहां पर प्रयोग करेंगे। एक अच्छी कार किसके पास हुआ करती थी, अमन के पास, अमन का अमन, अमन के साथ यूज्ड टू हैव, अमन यूज्ड टू हैव, अमन के पास हुआ करती थी, क्या हुआ करती थी, एक अच्छी कार, एक का अ, अच्छी का गुड, कार का कार, अमन यूज्ड टू हैव अ गुड कार। हम लोगों के पास बचपन में खेलने के लिए पर्याप्त समय हुआ करता था, वो समय बीत गया है। पास हुआ करता था के सेंस में यहां पर बीते हुए समय की बात हो रही है, यूज्ड टू हैव का यहां पर हम प्रयोग करेंगे। बचपन में खेलने के लिए पर्याप्त समय किसके पास हुआ करता था, हम लोगों के पास, हम लोग यहां पर सब्जेक्ट है, हम लोग का वी, वी के साथ यहां पर हम यूज्ड टू हैव का प्रयोग करेंगे। हम लोगों के पास क्या हुआ करता था, पर्याप्त समय हुआ करता था, पर्याप्त का इनफ, समय का टाइम। यहां पर आप अवेलेबल भी लगा सकते हैं, क्या करने के लिए, खेलने के लिए, खेलना क्रिया है, ने लगा हुआ है टू, खेलना का प्ले, कब, बचपन में, मे का इन और बचपन का चाइल्डहुड, वी यूज टू हैव इनफ टाइम टू प्ले इन चाइल्डहुड। आयांश की मां के पास एक महंगा आईफोन हुआ करता था, पहले हुआ करता था, आज के डेट में नहीं है। यहां पर बीती हुई बातों को प्रकट किया जा रहा है पास हुआ करता था के सेंस में, यहां पर हम यूज्ड टू हैव का प्रयोग करेंगे। एक महंगा आईफोन किसके पास हुआ करता था, अमन की मां के पास, सॉरी आयांश की मां के पास, आयांश का आयांश की कैपोस्ट्रोफीस, आयांश का आयांश की क्या स्टॉपियस, माँ का मदर, यहां पर हम यूज्ड टू हैव का प्रयोग करेंगे, यूज्ड टू हैव। क्या हुआ करता था, एक महंगा आईफोन हुआ करता था, एक का अ,
एक्सपेंस और महंगा का एक्सपेंसिव और आईफोन का आईफोन। गाइस यहां पर ध्यान देना है, एक्सपेंसिव का प्रोनंसिएशन वोवेल साउंड से हो रहा है, एन हो जाएगा। अयान्स मदर यूज्ड टू हैव एन एक्सपेंसिव आईफोन। राहुल के पास अपनी खुशियां बांटने के लिए टीना हुआ करती थी, पास हुआ करती थी का सेंस लगा हुआ है, पहले हुआ करती थी, आज के डेट में नहीं है। बीती हुई बातों को यहाँ पर पास हुआ करती थी की सेंस में प्रकट किया जा रहा है, बताया जा रहा है, इसलिए यहाँ पर हम यूज्ड टू हैव का प्रयोग करेंगे। अपनी खुशियां बांटने के लिए टीना किसके पास हुआ करती थी? राहुल के पास। राहुल यूज्ड टू हैव, राहुल के पास हुआ करती थी। राहुल यूज्ड टू हैव क्या हुआ करती थी? टीना हुआ करती थी। टीना का टीना क्या करने के लिए टीना हुआ करती थी? बांटने के लिए, बांटना क्रिया है, ने लगा हुआ है, टू। बांटना का डिस्ट्रीब्यूट, क्या बांटने के लिए? खुशियां बांटने के लिए। राहुल का अपना, अपनी, अपने हीज और खुशियां का हैप्पीनेस। राहुल यूज्ड टू हैव टीना टू डिस्ट्रीब्यूट हिज हैप्पीनेस। अकबर के पास आक्रमण करने के लिए एक विशाल सेना हुआ करती थी, पहले हुआ करती थी, उस समय बीत गया है, पास हुआ करती थी, पास हुआ करती थी, जहां पर पास हुआ करती थी, पास हुए करते थे, पास हुआ करता था, पास होता था, पास होती थी, पास होते थे का सेंस लगा होगा, आप निश्चित होकर के यूज्ड टू हैव का प्रयोग कीजिएगा। आक्रमण करने के लिए एक विशाल सेना किसके पास हुआ करती थी? अकबर के पास। अकबर का अकबर, अकबर के साथ यहां पर हम यूज्ड टू हैव, अकबर यूज्ड टू हैव, अकबर के पास हुआ करती थी, क्या हुआ करती थी? एक विशाल सेना, एक का अ, विशाल का ह्यूज और सेना का आर्मी। अकबर यूज्ड टू हैव अ ह्यूज आर्मी, क्या करने के लिए? आक्रमण करने के लिए। आक्रमण करना क्रिया है, ने लगा हुआ है, टू। और आक्रमण करना का अटैक। अकबर यूज्ड टू हैव अ ह्यूज आर्मी टू अटैक। भारत के पास एक सोने की चिड़िया हुआ करती थी, पास हुआ करती थी, पास हुआ करती थी, यानी पहले हुआ करती थी, आज के डेट में नहीं है, यहां पर बीते हुए समय के सेंस में पास हुआ करती थी का सेंस लगा हुआ है, यूज्ड टू हैव का यहां पर हम प्रयोग करेंगे। एक सोने की चिड़िया किसके पास हुआ करती थी? भारत के पास। भारत का, इंडिया, इंडिया के साथ यूज्ड टू हैव, भारत के पास हुआ करती थी, इंडिया यूज्ड टू हैव, क्या हुआ करती थी? एक सोने की चिड़िया, एक का अ, सोने की चिड़िया का गोल्डन बर्ड, इंडिया यूज्ड टू हैव अ गोल्डन बर्ड। महाराणा प्रताप के पास एक महान घोड़ा हुआ करता था, पास हुआ करता था का सेंस लगा हुआ है, यूज्ड टू हैव का प्रयोग करेंगे। एक महान घोड़ा किसके पास हुआ करता था? महाराणा प्रताप के पास। महाराणा प्रताप, इनके साथ यहां पर हम यूज्ड टू हैव का प्रयोग करेंगे। महाराणा प्रताप यूज्ड टू हैव, महाराणा प्रताप के पास हुआ करता था, क्या हुआ करता था? एक महान घोड़ा, एक का अ, महान का ग्रेट और घोड़ा का हॉर्स। महाराणा प्रताप यूज्ड टू हैव अ ग्रेट हॉर्स। किसी जमाने में उस आदमी के पास इज्जत के साथ साथ दौलत भी हुआ करती थी, पास हुआ करती थी, पास हुआ करती थी का सेंस लगा हुआ है, यूज्ड टू हैव का प्रयोग करेंगे। किसी जमाने में, किसी जमाने के, इंग्लिश लॉन्ग अगो, इज्जत के साथ साथ दौलत किसके पास हुआ करती थी? उस आदमी के पास। उस आदमी यहां पर सब्जेक्ट है, उस आदमी का डैट मैन, डैट मैन के साथ यहां पर हम यूज्ड टू हैव का प्रयोग करेंगे।
यहां पर हम डायरेक्ट मैन के साथ यूज्ड टू हैव का प्रयोग क्यों करेंगे, क्योंकि पास हुआ करती थी का सेंस लगा हुआ है, इसीलिए यहां पर हम यूज्ड टू हैव का प्रयोग करेंगे। लॉन्ग अगो डेट मैन यूज्ड टू हैव क्या हुआ करती थी, दौलत भी हुआ करती थी, ध्यान रखिएगा भी लगा हुआ है। जब कर्ता के बाद कहीं और भी लगा रहता है तो वहां पर भी का इवन भी सेंटेंस के अंदर लगा हुआ है, और जब सेंटेंस के अंदर भी लगा रहता है तो भी की इंग्लिश इवन होती है। दौलत का प्रॉपर्टी, लॉन्ग अगो डेट मैन यूज टू हैव इवन प्रॉपर्टी, किसके साथ साथ, इज्जत के साथ साथ, के साथ साथ का एलोंग विथ, के साथ साथ इंग्लिश क्या होती है, एलोंग विथ, और इज्जत का डिग्निटी, इज्जत का क्या होता है डिग्निटी। लॉन्ग अगो डेट मैन यूज टू हैव इवन प्रॉपर्टी एलोंग विथ डिग्निटी। निशा के पास सभी के लिए आदर और सहयोग की भावना हुआ करती थी, पास होता था, पास होता था यानी हुआ करता था, पास होता था यानी हुआ करता था, पास हुआ करता था या पास होता था, सेंस कहीं ना कहीं एक ही है। सुनने में या देखने में थोड़ा सा अलग जरूर लग रहा है लेकिन इसका सेंस कहीं ना कहीं एक ही है। किसके पास होता था, निशा के पास, निशा, निशा के साथ यहां पर हम यूज्ड टू हैव का प्रयोग करेंगे क्योंकि यहां पर पास होता था का सेंस लगा हुआ है। क्या होता था, आदर और सहयोग की भावना हुआ करती थी, आदर का रेस्पेक्ट और का एंड, आदर का रेस्पेक्ट और का एंड, सहयोग की भावना, भावना का फीलिंग की का ऑफ, और सहयोग का फीलिंग को ऑपरेशन। निशा यूज टू हैव रेस्पेक्ट एंड फीलिंग ऑफ कोऑपरेशन, कोऑपरेशन माने सहयोग की भावना, किसके लिए, सभी के लिए का हर, सभी का एवरीवन। निशा यूज टू हैव, निशा के पास होता था क्या, आदर और सहयोग की भावना, आदर का रेस्पेक्ट और का एंड सहयोग की भावना का फीलिंग ऑफ कोऑपरेशन, किसके लिए, सभी के लिए का फर, सभी का एवरीवन। उस छोटे बच्चे के पास इसके अतिरिक्त अपनी मां का आशीर्वाद हुआ करता था, पास हुआ करता था का सेंस लगा हुआ है, यूज्ड टू हैव का हम प्रयोग करेंगे। इसके अतिरिक्त अपनी माता का आशीर्वाद किसके पास हुआ करता था, उस छोटे बच्चे के पास, उसका डैड, छोटे का लिटिल और बच्चा का चाइल्ड या किड, कुछ लगाइए चाइल्ड या किड कुछ भी, डैट लिटिल चाइल्ड और किड हुआ करता था ना, यूज्ड टू हैव, यूज्ड टू हैव, डैट लिटिल किड यूज्ड टू हैव क्या हुआ करता था, आशीर्वाद हुआ करता था, आशीर्वाद का द ब्लेस, किसका आशीर्वाद हुआ करता था, अपनी मां का ऑफ, एक बच्चा है, एक बच्चा का अपना ही हो जाएगा और मां का मॉम। डैट लिटिल किड यूज टू हैव द ब्लेस ऑफ हिज मॉम, किसके अतिरिक्त, इसके अतिरिक्त, अतिरिक्त का बिसाइड्स, अतिरिक्त, अतिरिक्त मीन्स क्या होती है, बिसाइड्स और इसके का इट। That little kid used to have the brace of his mom besides it. उसके पास बहुत पैसा नहीं होता था, पास होता था का सेंस लगा हुआ है, पास होता था या पास हुआ करता था, नेगेटिव सेंस में है, यहां पर हम used to have का प्रयोग करेंगे। बहुत पैसा किसके पास नहीं होता था, उसके पास, उसके का ही के साथ यहां पर हम used to have, लेकिन यहां पर गाइस ध्यान देना है सेंटेंस नेगेटिव है, नहीं लगा हुआ है, नॉट के बाद हम टू हैव का प्रयोग करेंगे। ही यूज्ड नॉट टू हैव, क्या नहीं होता था, बहुत पैसा, बहुत का अ लॉट ऑफ, पैसा का मनी,
He used not to have a lot of money. हम लोगों के पास किसी से मिलने के लिए अनुमति नहीं होता था, अनुमति नहीं होती थी. पास, पास होती थी या हुआ करती थी, सेंस वही है. पास होती थी या पास हुआ करती थी, कहीं कहीं सेंस वही है. यूज्ड टू हैव कहां प्रयोग करेंगे. किसी से मिलने के लिए अनुमति किसके पास नहीं होती थी, हम लोगों के पास. हम लोगों का वी के साथ यहां पर हमें यूज्ड टू हैव लेकिन नहीं लगा हुआ है, नेगेटिव है. नॉट के बाद हम टू हैव लगाएंगे. हम लोगों के पास क्या नहीं होती थी, अनुमति. अनुमति का परमिशन. वी यूज नॉट टू हैव परमिशन, क्या करने के लिए, मिलने के लिए. मिलना क्रिया है, मे लगा हुआ है, टू मिलना का मिट. किससे मिलने के लिए, किसी से, किसी से का समवन. वी यूज नॉट टू हैव परमिशन टू मीट someone. क्या आपके पास हर वक्त यह समस्या हुआ करती थी, पास हुआ करती थी, क्या सेंस लगा हुआ है. used to have कहां प्रयोग करेंगे. किसके पास हुआ करती थी, आपके पास, आपके का यू के साथ है. used to have क्या है, तो क्या है, तो used पहले लाएंगे. जब शुरू में क्या होगा तो used पहले आएगा, उसके बाद हम to have. ये ध्यान देना, जब शुरू में क्या होगा तो used पहले आ जाता है, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद to have. क्या हुआ करती थी आपके पास, यह समस्या हुआ करती थी, यह समस्या का, दिस प्रॉब्लम. हर वक्त, कब, हर वक्त, हर वक्त का एवरी टाइम. यूज्ड यू टू हैव दिस प्रॉब्लम एवरी टाइम. क्या पहले के लोगों के पास गरीबी होती थी, गरीबी होती थी यानी हुआ करती थी. बीते हुए समय की यहाँ पर बात हो रही है, पास होती थी के सेंस में. और जब बीते हुए समय को ज्ञात करने के लिए, प्रकट करने के लिए पास होता था, होती थी, होते थे, या पास हुआ करता था, करती थी, करते थे का सेंस लगा होता है, वहीं पर हम यूज्ड टू हैव का प्रयोग करते हैं. गरीबी किसके पास होती थी, पहले के लोगों के पास. पहले का अर्लियर, लोगों का, पीपल, पहले का अर्लियर, लोगों का, पीपल क्या है, तो यूज्ड पहले आ जाएगा, उसके बाद टू है. पहले के लोगों के पास क्या होती थी, क्या हुआ करती थी, गरीबी. गरीबी का पॉवर्टी. गरीबी की इंग्लिश क्या होती है, पॉवर्टी. पॉवर का मतलब गरीब और पॉवर्टी का मतलब गरीबी. रिच का मतलब अमीर, रिचनेस का मतलब अमीरी. तुम्हारे पास क्या हुआ करता था, पास हुआ करता था, कैसे उनसे लगा हुआ है. used to have का प्रयोग करेंगे. किसके पास हुआ करता था, तुम्हारे पास. तुम्हारे यानी तुम यहां पर सब्जेक्ट है, लेकिन अंदर है क्या, सबसे पहले आ जाएगा what, उसके बाद used, तुम्हारे का you, उसके बाद to have, तुम्हारे पास क्या हुआ करता था. what used you to have, राहुल के पास इस काम को करने के लिए बेचैनी क्यों हुआ करती थी. पास, पास हुआ करती थी का सेंस लगा हुआ है. used to have का हम प्रयोग करेंगे. इस काम को करने के लिए बेचैनी किसके पास हुआ करती थी, राहुल के पास. राहुल यहां पर सब्जेक्ट है, लेकिन सब्जेक्ट के बाद अंदर क्यों लगा हुआ है. और जब सब्जेक्ट के बाद, कर्ता के बाद अंदर क्यों, क्या, कैसे, कब, कहां, कौन, किसने, ऐसे प्रश्नवाचक शब्द लगे होते हैं, सबसे पहले उसको लाते हैं. क्यों का वहां, उसके बाद used, उसके बाद सब्जेक्ट क्या है, राहुल, उसके बाद टू हैव. व्हाई यूज राहुल टू हैव, राहुल को क्यों हुआ करती थी, क्या हुआ करती थी, बेचैनी. बेचैनी का रेस्टलेस. रेस्टलेस का मतलब बेचैन होता है. और रेस्टलेसनेस, रेस्टलेसनेस का मतलब होता है बेचैनी. क्या करने के लिए, इस काम को करने के लिए, करना क्रिया है, ने लगा हुआ है, टू और करना का डू. क्या करने के लिए, इस काम को, इस काम का, दिस वर्क. व्हाई यूज राहुल टू हैव रेस्टलेसनेस टू डू दिस वर्क. गाइस, इस वीडियो को जितना हो सके इसे शेयर कीजिए, ताकि यह भारत के हर कोने कोने में हर बच्चे बच्चे के पास ये पहुंचे, और बड़े पैमाने पर हर बच्चा इसका लाभ उठा सके, और मैं उन तक पहुंच सकूं.
चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तुरंत मिलते हैं एक नए एपिसोड के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।